अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आजकल मीडिया इनको लेकर सुर्खियों बनाई हुई है, कभी किसी और विषय पे तो कभी किसी और विषय पे। सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ जो है कि डाइवोर्स का केस कोर्ट में किया है, इसको लेकर कई मीडिया कयास लगाई जा रही है कि तेज प्रताप ने इस तरीके से अपनी बात को रखा है और तेज प्रताप यादव साफ रूप से कहना चाहते हैं कि अभी कोर्ट का निर्णय जो भी होगा उसका हम सम्मान करेंगे। कोर्ट अपना आदेश देने से पहले ही कई मीडिया ऐसी है कि तेज प्रताप यादव पे निशाना साध रही है। कई मीडिया ऐसे दस्तावेज, झूठे दस्तावेज को सामने लेती है और उससे प्रमाण मानकर उल्टा सिल्टा बयान देते रहती है, मगर तेज प्रताप यादव जो साफ रूप से कह रहे हैं कि अभी कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, मगर मीडिया जिस तरीके से उनको उनके पीछे या फिर उनकी निजी जिंदगी में क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनकी विषय की चर्चा है, मगर तेज प्रताप यादव आजकल लगातार मीडिया के नज़र में छाते जा रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव डाइवोर्स के मामले में लेकर लगातार जो है कि कई मीडिया उन पर तंज भी कस रही है और कई मीडिया अपनी भड़ास भी तेज प्रताप यादव पर निकाल रही है। तेज प्रताप यादव ने साफ रूप से कह दिया है कि अभी जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसका हम सम्मान करेंगे, अब ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में लंबित है, इस मामला को चलाया जा रहा है, जज साहब क्या निर्णय लेते हैं वो तो देखने वाली बात है, मगर मीडिया जिस तरीके से दुरुपयोग करती जा रही है और तेज प्रताप यादव पे तंज कसना शुरू कर दिया है, मगर अब तो कोर्ट ही फैसला देगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि तेज प्रताप यादव इससे संतुष्ट हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ सौरभ शर्मा, LR News 24x7, पटना।